हरे कृष्णा वेलकम टू बिहाइंड द सीन्स ऑफ म्यूजिक वीडियो। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? शूटिंग एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस वक्त पर माहौल को थोड़ा मस्ती वाला रखने का, ताकि किसी को भी थकान महसूस ना हो, बिकॉज एक्चुअली सब बहुत थक जाते हैं। इट्स वेरी वेरी टायरिंग एंड हमारे बाबू इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि सबका एंटरटेनमेंट होता रहे। ये जो स्टोरी है वो बाबू यानी कि नव किशोर निमाई प्रभु जी ने लिखी है। वेल बेसिकली मैं काफी लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ जो कि हमें अपनी स्पिरिचुअल इंक्वायरीज भेजते रहते हैं, और ये जो हमने थीम इस वीडियो में लिया है वो सब लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद ही मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे हम सभी को एक चीज समझ में आ सके कि हरि नाम का जाप हमें हर परिस्थिति में करना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव थीम है इस वीडियो का। जो भी लोग बच्चों के साथ शूट कर चुके होंगे वो अच्छे से समझते होंगे कि बच्चों के साथ शूट करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है। सो हमने भी बहुत पापड़ बेले हरिचरण के साथ शूट करने में। पहले वो मान ही नहीं रहा था इस रोल के लिए कि मुझे मरने वाला रोल नहीं करना, पर जब उसको हमने बताया कि कृष्णा की सेवा के लिए करना है तो फाइनली वो मान गया। अवर हम्बल ग्रेटिट्यूड टू भक्ति वेदांत हॉस्पिटल वृंदावन जिन्होंने हमें इस शूट के लिए अपना प्रीमाइसेस दिया और फुल सपोर्ट किया। बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाना कितना जरूरी है, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल ने विदाउट एनी डिले हमको अपना पूरा सपोर्ट दिया। आपको रोना और आपका एक्टिंग ना आती हो तो आपको पंजाबी गाना याद करना है और ऐसे करके करना है। बल्ले बल्ले एक पॉइंट तो ऐसा है कि हरिचरण मेरे रोने की आवाजें सुन सुनकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। मैं रोते हुए कुछ बातें बोल रही थी जो वो सुन सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और बहुत ज्यादा रोने लगा। हमें काफी टाइम लगा उसको चुप करवाने में। बच्चे हैं, प्यार से डील करना पड़ता है। आई थिंक इस तरह का कॉन्सेप्ट शूट करने से बच्चों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और कृष्णा के प्रति श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है।
जगन्नाथ। अरे मम्मा सॉरी। जगन्नाथ जल्दी आओ। चलो ठीक है। नंदा रोनी की एक्टिंग करी तो उसके कान में कुछ ना कुछ बोल रही है, इमोशनल है, तो उसको सच में सुन के रोना आने लग गया। सच में रो रहा है। पूरी कोशिश की कि हरिचरण को दोबारा रोना ना आए, इसलिए मजाक मजाक में उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया कि बच्चा इजीली मैनेज कर पाए। प्यारा सा अनपढ़ बच्चा स्पेलिंग लिख पा रहा है। जिनका था उनके पास चला। अरे नहीं छीन लिया वो, मेरा थाई कब तुम उसे छीन लिया। सीरियस कॉन्सेप्ट को शूट करना और ऊपर से बाव की मजाक करने की आदत, मेरे लिए काफी मुश्किल था ऐसी सिचुएशन में रोने के सीन्स करने का। मैं एक्चुअल में इमेजिन कर रही थी कि वैसी सिचुएशन को और तब जो फीलिंग्स बाहर निकलती है ना, वो नेचुरली कैरेक्टर को सूट करती है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋ ਅਸੀਂ ਰੋੜੀ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। तो ये अभी एक शॉट है जिसमें नंदरानी भागती हुई जाएगी, तो मेरे पीछे नंदरानी घड़ी है और शॉट बाहर का है। नंदरानी आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, आ रेडी एक्शन। इस वीडियो में रामचरण प्रभु का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली वीडियो का सेंटर पॉइंट उनके कैरेक्टर पर शिफ्ट हो जाता है धीरे धीरे, और एंड में मैसेज कन्वे उनका एग्जाम्पल दिखाकर होता है कि हरि नाम उन्होंने करना छोड़ दिया था बैड सिचुएशन में, और फिर कैसे उनको इस चीज का एहसास होता है। ही इज अ माइंड ब्लोइंग एक्टर। शॉट्स को लेने में काफी टाइम निकल गया बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स एकदम फर्स्ट टाइमर्स थे, जो एक्चुअल में डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में। हमारी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ऑन द स्पॉट रोल किया एंड वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू देम। लोग किसको देख रहे हो आप? खड़ी हो गया फैमिली के आगे चिपका के। नहीं आप किसको देख रहे हैं? अबे
आप निकल गए जब कैमरा में नजर भी नहीं आ रही। अच्छा अभी घंटा ला रही थे यार, पता है क्यों? वो जैसे अंदर आती है बाहर आती है, डॉक्टर आके बताती है तो न्यूज, और इन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही डॉक्टर आएगी तू खड़ी, हम दोनों खड़े होंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, तो अंदर चली जाएगा। तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया, वो आए बोले ये बैठेंगे, मैं अंदर चली गई, इमीडिएट अंदर जाना शुरू कर दिया। तो भाई तो मुझे बाद में थोड़ा सा तो मुझे पॉज देना चाहिए, एक्टर को पता है मैं खड़ा होगा थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में। नहीं मैंने इसलिए ना बोला, मुझे मतलब ये ऐसे घेर पकड़ के खड़ी है, जैसे ही बोला उड़ भाग दो जुए, उड़ दो जुए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मेरे शेर नहीं शॉट होगा छोटा सा। हां और ये देखो ये पानी ये बड़ी चलाक है, ये बोतल के अंदर पानी नहीं है, ये बोतल के अंदर नारियल पानी है। अरे अभी मेरा है, पहले पानी था, हैंड पंप वाला ऐसे बरबर के बरबाती रहती नारियल पानी है। ये लो तुम्हारी नंदरानी है, बड़े तरीके करता था इसकी, ये देख लो के काम। So finally, हमारा शूट हो गया पूरा और मेरी आंखें सूख चुकी हैं क्योंकि इतना रुलाया, मुझे इतना रुलाया, चार पांच बाल्टियां तो उसने आंसू की निकाल दी होगी। और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, तो आप होपफुली ये वाला जो हमारा बिहाइंड द सीन है इसमें आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि टीम छोटी है, सभी मेहनत कर रहे होते हैं, बट आपको जितना देखने को मिलेगा उससे आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये सब कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रभु जी। हरी बोल, ये पहले भी आपको नजर आए और आगे भी नजर आते रहेंगे, इनको हम ऐसे ही परेशान करते रहेंगे बेचारे, एक दिन में फटाफट से वहाँ से बॉम्बे से यहाँ पर। हमारा सौभाग्य है कि और कल वापस जा रहे हैं, और कल वापस जा रहे हैं, सेवा करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, हरी बोल, दोबारा से जल्दी से मिलेंगे। अभी तो डबिंग का भी जुगाड़ करना पड़ेगा बॉम्बे में। हाँ इसने बहुत अच्छा किया, इसने बहुत गंद मचाया, बहुत अच्छा रोल किया इसने, पूरी टीम का वर्क बहुत अच्छा है, मतलब थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे बोल। आई होप कि आप सबको हमारा प्रयास पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, 4 दिन में 500,000 व्यूज। आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help Madhavas to contribute to our next project, you can donate by clicking this button. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.